पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि नीरव मोदी का जब पासपोर्ट रद्द हो गया तब वे देश के बाहर कैसे पहुंच गए। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नीरव मोदी को बचा रहे हैं। पवन खेड़ा से बात की गोनी संवाददाता आदेश रावल ने। सर, नीरव मोदी का नाम एक बार पनामा पेपर्स में आया और कुछ दिन पहले उनको लंदन में देखा गया था, बताया गया था, लेकिन अभी तक उनको वापस लाने की या उनको से पूछताछ करने की कोई प्रक्रिया ईडी, सीबीआई, एसएफआईओ किसी ने शुरू नहीं की है। यही तो हमारी बार बार शिकायत है। खैर, अब शिकायत का वक्त ख़त्म हो गया। जनता को ये अब समझ में आ गया है कि नरेंद्र मोदी ही नीरव मोदी को बार बार बचा रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है कि सरकार को कैसे इनको वापस लाने के प्रयास करने चाहिए? अब तो ये डिपार्चर लाउंज में बैठी हुई सरकार से क्या उम्मीद रखें। जी, मैं आपको ये वादा ज़रूर कर सकता हूँ कि आने वाली कांग्रेस की सरकार इन पर तुरंत कार्रवाई करेगी, इनको तुरंत हिंदुस्तान वापस लाएगी। लेकिन सर, जो बैंकों का पैसा वो लेके देश छोड़ के भाग गए हैं यहाँ से, उसका उसके लिए तो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी तय होगी ना? देखिए, जब आपके सामने तमाम कागजात हम पब्लिक डोमेन से ला कर रख सकते हैं तो नरेंद्र मोदी जी को क्या ये जानकारी नहीं होगी, ये मैं मान नहीं सकता। तो जब नरेंद्र मोदी जी को जानकारी है और उसके बावजूद वो अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं तो बात सब कुछ स्पष्ट है कि कौन किसको बचा रहा है। आपने डायमंड कंपनी की बात कही कि डायमंड कंपनी नई शुरू की है, क्या है वो कंपनी और कहां से वो किस चीज में ऑपरेट करती है? ये मई 2018 में इंग्लैंड में बनाई गई और ये वहीं से डायमंड और घड़ियों का व्यापार कर रही है।